हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 का केस हो पुरानी धारा में आईपीसी या फिर नई धारा में 64 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। एक सवाल है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि क्या चार्जशीट के पहले भी एनबीडब्ल्यू और बयासी हो जाता है। तो आपको बता दें, जो हीनियस क्राइम होते हैं, गंभीर धाराओं के अपराध होते हैं, उसमें अगर आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, आप भागे भागे हैं, पुलिस दबिश दे रही है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, और ऐसी स्थिति में उसके पास क्या रास्ता बचेगा। भाई आप या तो एंटीसेप्टिक बेल ले रहे हैं या स्टे ले रहे हैं, तमाम चीज़ें हो सकता है कर रहे हों या नहीं भी कर रहे हों, ऐसे ही बैठे हैं, FIR हो गई, पुलिस अगर आपको गिरफ्तार नहीं करी, 2 महीना 4 महीना बीत गया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करती है, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाकर वो उस मामले में आपका NBW करा लेगी। NBW की कंडीशन में भी मान लो आप नहीं मिले, ऐसी स्थिति में वो जाके 82 की कार्रवाई कर लेगी, 83 की कार्रवाई करा देगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैक्सिमम केसों में NBW हो, BW हो, समनिंग ऑर्डर के बाद होते हैं, 82-83 हो, सब ये सब समनिंग ऑर्डर। और समनिंग ऑर्डर कब होता है, जब चार्जशीट लग जाती है। तो किसी भी मामले में अगर चार्जशीट लगी है या नहीं लगी है, चार्जशीट लगने के बाद BW पहले सम्मन जाएगा, फिर BW होगा, NBW होगा, फिर 82 होगा, फिर 83 होगा, ये सिस्टम है। लेकिन अगर 376 का केस है या धारा 64 भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा है, यानी कि रेप का मामला है, 307 का मामला है, 302 का मामला गंभीर धारा का है, और पुलिस आपकी गिरफ्तारी करने में असमर्थ है, आपको ढूंढ नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वारंट प्लस NBW के साथ साथ 82-83 की कार्रवाई, इंटरनल कार्रवाई भी कर देती है, कोर्टें अलाउ कर देती हैं, कार्रवाई हो जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में लोगों को करना क्या चाहिए। देखिए, आपको स्टे अगर लेना है तो टाइम पे लो, क्रिमिनल रिट फाइल करके मुकदमे में स्टे ले लो। अगर स्टे नहीं लेना है या नहीं मिल रहा है आपको, एंटीसिपेटिक भी फाइल करनी है, तो ये सब कार्रवाइयाँ हों, क्योंकि देखिए ये सब कार्रवाई होने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं कि 376 का मुकदमा फाइल हुआ, एक ही महीने में NBW 82 करा देगा, ऐसा भी नहीं है भाई, इतनी जल्दी नहीं होता। ये सब प्रोसेस होने में 4-6 महीने लग जाते हैं। जब अभियुक्त आरोपी 4-6 महीने फरार रहता है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है, जब खिलाफ पार्टी का प्रेशर होता है, अपोजिट पार्टी का प्रेशर होता है, IO पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे, तब जाके ये सब कार्रवाइयाँ होती है। इतनी जल्दी नहीं होती है कि आज FIR दर्ज हुई, एक हफ्ते बाद 82-83 हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो इसके पहले आप NBW 82-83 के पहले आप एंटीसेप्टिक ले लो या स्टे ले लो, जो आपको रास्ते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक सवाल और है कि क्या 82-83 के बाद, यानी चार्जशीट के पहले जो 82-83 हुई है उसके बाद भी एंटीसेप्टिक मिल जाएगी। देखिए मिल जाती है, लेकिन अब वो सवाल ये है कि आपके केस में मजबूती कितनी है, आपका केस कितना सही है कितना गलत है, आपके केस में मेडिकल की क्या पोजीशन है, और पीड़िता के बयान का क्या मतलब है, क्या पोजीशन है, FIR में क्या कही गई है बात, या किन कारणों से FIR करी गई है, तमाम ऐसे फैक्ट, ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिन्हें देख लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद ही बताया जा सकता है कि होगी या नहीं। लेकिन मैक्सिमम आपको बता दें कि 82-83 के बाद एंटीसेप्टिक बेल अलाउ हो जाएगी, ये मैक्सिमम मान के चलिए कि वो खारिज होनी तय है, 90% उम्मीद मान के चलिए कि खारिज हो जाएगी, 10% उम्मीद मान के चलिए अलाउ हो जाएगी। हाँ, चार्जशीट नहीं गई है, आप गिरफ्तार नहीं हुए हैं, NBW नहीं है, 82-83 नहीं है, ऐसी स्थिति में एंटीसेप्टिक बेल अलाउ होने के 95% चांस बढ़ जाते हैं, सिर्फ 5% चांस समझिए कि ये आपका खारिज होगा। तो कहने का मतलब ये
कि कब खारिज होगी, कब नहीं, कब लाभ लेना है, कब नहीं लेना है, सारी चीजों की जानकारी हमने आपको दे दी। अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।